एकदम स्पंजी, एकदम मुलायम बना है, सॉफ्ट, एकदम बहुत बढ़िया ढोकला, ये देखें। नमस्कार, वैष्णवी जिला में आप सबका स्वागत है। आज हम ढोकला बनाएंगे। ढोकला बिना मसाले और बिना तेल के एक हेल्दी नाश्ता है। इसमें बहुत कम तेल मसाला लगता है और ये नाश्ता बहुत टेस्टी होता है खाने में और आसानी से बन जाता है। उसके लिए हम बेसन ले लिए हैं, बारीक बेसन है, और बेसन को हम छान लिए हैं अच्छी तरह से। 1 कप बेसन लिए हैं और इसमें हम डाल ले रहे हैं। पहले बैटर तैयार करेंगे ढोकला के लिए। हमने 1 कप बेसन लिया है, आप कोई कटोरी ले लें या कप या गिलास, उसी से सारा सामान मेजरिंग के लिए लें। इसमें हम नमक डाल देंगे आधा छोटा चम्मच, अपने टेस्ट अनुसार नमक डाल लें। 2 चुटकी हींग है, हींग का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है बेसन में। चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर है, कलर अच्छा आने के लिए। ये पेस्ट है, अदरक, हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च है, अदरक और कुछ लहसुन के कलियाँ, उसको हम तीनों को एक साथ में ही पीस लिए हैं। इसको डाल दे रहे हैं 1 चम्मच भर के है। आप लहसुन खाते हो तो डालें, नहीं तो अदरक ही डाल सकते हैं। मसाले थोड़ा मिक्स कर ले रहे हैं। इसमें पहले आधा कप पानी डालेंगे, बैटर तैयार करेंगे, दोबारा से हम पानी और डालेंगे। इसकी गुठलियाँ पहले ख़त्म कर ले रहे हैं, तो हम दोबारा से पानी और डाल देंगे। अभी 1 कप पानी डाल दिए हैं हम, अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। 1 कप पानी अभी और डालेंगे हम इसमें, अच्छी तरह से इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। अच्छी तरह से फेंट लें, जितना अच्छा फेंटेंगे उतना बढ़िया ढोकला हमारा जालीदार फूल के बनेगा। 1 कप पानी डाल दिए, अभी आधा कप डाल रहे हैं। फेंट कर फिर से डालेंगे बैटर को, इसको सही तरीके से बनाने के लिए। अभी देख ले रहे हैं, हमारा बैटर अगर ज़्यादा थिक होगा तो हम और पानी डाल लेंगे। बैटर अच्छी तरह से फेंट लिए, देख रहे हैं ज़्यादा थिक तो नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, ठीक है। इसमें हम लगभग 2 चम्मच तेल डाल देंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। बहुत बड़ा चम्मच नहीं है, छोटा चम्मच है। एक नींबू काट कर इसका रस निचोड़ के हम इसमें डाल देंगे। एक नींबू का रस है अभी निचोड़ के हम इसमें डाल दे रहे हैं, और 2 चम्मच तेल डाल दिए हैं। 1 चम्मच ये पिसी हुई चीनी है, 1 ही चम्मच डालेंगे। अभी सब मिक्स कर लेंगे, तेल, नींबू का रस और पिसी हुई चीनी, अच्छी तरह से मिला ले रहे हैं। हमने इस कप से 1 कप बेसन लिया था और 1.5 कप पानी लगा है। 1 कप फुल भरा था और आधा पानी, इतना पानी इसमें लग गया है। इसे 15 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं ताकि बेसन अच्छी तरह से फूल जाए। ढोकला आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, ऐसे ऊंचे किनारे वाली थाली हो इसमें भी बना सकते हैं, या ऐसे बड़ा कटोरा हो ना इसमें भी बना सकते हैं, जिसमें आपको सुविधा हो उसी में बना सकते हैं। आज हम इसके एक टिन में बनाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा ले रहे हैं, कोई भी कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं, रिफाइंड ऑयल, अच्छी तरह से ताकि ये चिपके ना। साइड में भी चारों तरफ से लगा दें और बीच में भी। अब हम इस कढ़ाई में ढोकले को पकाएंगे। इसमें मैं पानी डाल दे रही हूँ 1.5 कप। एक स्टैंड रखेंगे तो ये नीचे पड़ रहा है, ज़्यादा नीचे हो जा रहा है, तो हम इसको रखेंगे। अगर इसको सीधा रख रहे हैं, ज़्यादा ऊपर उठ रहा है, तो ऐसे पलट के रखेंगे। इसके ऊपर हमारा एक केक टिन बैठ जाएगा। आप ऐसे बर्तन लें जो अच्छी तरह से ऐसे कवर हो जाए, इसी में बनाएंगे हम। कोई ऐसे छोटी कटोरी भी रख सकते हैं, इसके ऊपर से ऐसे केक टिन रख दें, ऐसे प्लेट रख दें, इसके ऊपर से ऐसे केक टिन रख दें, अच्छी तरह से पक जाएगा। 15 मिनट हो गया बैटर रखे, ये भी फूल के तैयार हो गया है अच्छी तरह से। बैटर इतना गाढ़ा होना चाहिए, आप देख सकते हैं।
एक चम्मच हम इसमें इनो डाल दे रहे हैं। इनो जो आता है ना गर्मियों में ठंडा पानी में डाल के पीने के लिए, वही इसको हम मिला लेंगे। और ज़्यादा देर तक इसको नहीं मिक्स करेंगे, हल्का सा जो बैटर है ये फूल जाएगा, अभी एकदम फ्लफी हो जाएगा इसको मिलाते ही। आप देख रहे होंगे अच्छी तरह से बैटर एकदम फूल गया है। इसे थोड़ा सा और फेटेंगे 1 मिनट। अच्छी तरह से इनो इसमें मिल गया है, बहुत ज़्यादा इसे फेटना नहीं है, हल्का सा फेटना है, सारे बैटर में मिक्स हो जाए बस। अब इसको हम इस केक टिन में पलट लेंगे, इनो एकदम लास्ट में डालें, जब आपको गैस पे चढ़ाना हो तभी डालें इनो, तभी अपना अच्छी तरह से काम करता है। पानी भी खौल गया हमारा, अच्छी तरह से उबाल आ रहा है। इसमें हम ये रख दे रहे हैं स्टैंड उल्टा करके, और ये केक टिन रख दे रहे हैं। इनो डालते ही केक टिन तुरंत रख दें इसमें मिक्स करके। इसको हम ढक दे रहे हैं, गैस की फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर लें, बिल्कुल हाई ना करें। और इसे हम 15 से 20 मिनट के बीच में पकने देंगे, मतलब 17-18 या 19 मिनट, 20 मिनट भी हो सकता है, जिस हिसाब से आपका बर्तन जितना मोटा हो या गैस की फ्लेम आपका कितना हाई है कितना लो है, उस हिसाब से 2-3 मिनट आगे पीछे हो सकता है। और हम 15-20 मिनट के लिए ढके हैं, इसके बीच में एक बार हम 10-12 मिनट पर इसे चेक कर लेंगे। लगभग 20 मिनट हो गया, इसे देखते हैं पका है कि नहीं। एक चाकू लेकर इसमें डालेंगे, पक गया है, चाकू साफ आ रही है, एक बार और डाल के देख ले रहे हैं। ये देखें, हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको ऐसे ढककर 5-6 मिनट रहने देंगे, तब हम निकालेंगे। हमें इसे पकाने में लगभग 20 से 21 मिनट लग गया है। ये इतना अच्छा फूला है, ऐसे उंगली कर रहे हैं तो दब रहा है, बढ़िया से एकदम फूला है। थोड़ा ठंडा होने देते हैं, अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है, इसे हम पलट लेंगे, थोड़ा चाकू से इसकी साइड जो है लूज कर देंगे इस तरह से, ताकि आसानी से ये निकल जाए। इस तरह से चाकू से चारों तरफ से हम इसे लूज कर लिए। ऊपर एक प्लेट रखेंगे और आराम से इसको इस तरह से थोड़ा बीच में कर दे रहे हैं, और आसानी से छोड़ देता है। कितना अच्छा है, कितना फूला हुआ है एकदम बढ़िया से। इसको हम काट लेंगे, अभी इसका तड़का तैयार करेंगे। ढोक लग लिए, तड़का तैयार करेंगे। इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच तेल, छोटा चम्मच है। तेल गरम होने देते हैं, तेल गरम हो गया, इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और 1 छोटा चम्मच काली सरसों है डाल देंगे। गैस की फ्लेम एकदम लो कर ले, नहीं तो जल जाएगा। तो पक गया, इसमें हम कुछ करी के पत्ते डाल दे रहे हैं 15-20, और ये हरी मिर्च है 3 हरी मिर्च हम जो लंबाई में काट दिए हैं। तड़के को थोड़ा पका ले रहे हैं कुछ सेकंड। 1 कप पानी डाल दे रहे हैं, आधा छोटा चम्मच नमक है डाल देंगे, अपने स्वाद अनुसार डाल लें नमक। 1 चम्मच चीनी है, पिसी हुई चीनी है। सभी मसालों को मिक्स कर दे रहे हैं, पानी में उबाल आने देते हैं। इस तड़के के पानी में उबाल आ गया, उबाल आने के बाद 1 मिनट हम इसे और पका लिए हैं। अब गैस ऑफ कर देंगे, थोड़ा ठंडा होने देते हैं इसे। तड़का भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, और ये ढोकला भी, इसको काट लेंगे पीस में इस तरह से, एकदम सॉफ्ट है, एकदम मुलायम है, आप देख सकते हैं काटते वक्त ये कितना एकदम सॉफ्ट लग रहा है। इधर से भी काट ले रहे हैं इसकी पीस हम। अब इसके ऊपर से मैं ये जो तड़का तैयार करी हूँ इसको डाल देंगे इस तरह से, एकदम नरम और सॉफ्ट हो जाता है डालने से, एकदम स्पॉन्जी जूसी भी हो जाता है थोड़ा।
एकदम स्पंजी, एकदम मुलायम बना है, सॉफ्ट है एकदम, बहुत बढ़िया ढोकला। ये देखें, एकदम सॉफ्ट ढोकला बना है और बिना तेल के, बिना मसाला के, खाने में बहुत टेस्टी है, बिल्कुल हेल्दी है। इस तरह से आप ढोकला बनाएं, बहुत स्वादिष्ट होता है ये खाने में, और बिल्कुल एकदम फूला फूला सा है, आप देख रहे होंगे, बिल्कुल कम तेल मसाला पड़ा हुआ है। इस तरह से आप ढोकला बनाएं और खाएं, अपना अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आपका ढोकला कैसे बना है? वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मेरी अपील है आप सबसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन दबा लेंगे तो मैं कोई भी नई रेसिपी डालूंगी, आपके मोबाइल फ़ोन तक सीधा पहुंच जाएगा।